नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं कच्ची घोड़ी नृत्य को। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है क्षेत्रीय लोक नृत्य है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय लोक नृत्य है, जातीय लोक नृत्य नहीं है। दूसरी बात, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। अब शेखावाटी क्षेत्र में भी मुख्य रूप से जो कुचामन, पर्वतसर और जो डीडवाना जो क्षेत्र हैं उनमें इसको मुख्य रूप से किया जाता है। अब ये कब किया जाता है, तो ये वैवाहिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन वैवाहिक अवसर पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय, लेकिन कौन सा वीर नृत्य है, कौन सा है वीर नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब किस प्रकार से नर्तक क्या करता है, बांस की जो घोड़ी होती है वो बनाता है और बना करके अपने कमर पर वो बांध लेता है और खुद दूल्हे सा वेश धारण कर लेता है और हाथ में तलवार लेकर के घोड़ी को नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की बात करें कि इस नृत्य में होता कैसे है, और ये नृत्य इस प्रकार से करता है। अब इसमें और क्या होता है, इसमें होता है कि वीर रसात्मक दोहे बोलता रहता है, यानी नर्तक क्या है कि वो घोड़ी अपने कमर, तो वो घोड़ी को नचाते हुए इस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत करता है, तलवार हाथ में लेकर के, जैसे कोई वो लड़ाई लड़ रहा हो। और इस वो जब ऐसा करता है तो वीर रसात्मक जो दोहे हैं वो बोलता रहता है। अब इसमें अगर बात करें कि जब ये नृत्य करता है तो इसमें वाद्य भी कुछ काम में आते हैं क्या, तो वाद्यों में यहाँ होता है ढोल बाक्या होता है और थाली यहाँ बजती है, तो ढोल बाक्या और मुख्य रूप से थाली इसके साथ में इस नृत्य में यूज में आती है। अब इसमें पारंगत कौन होते हैं, यानी कि इस नृत्य को करने वाले पारंगत कौन होते हैं कि इसको नृत्य को आसानी से वो कर लें, तो बताया गया है कि इसमें सरगड़े कुम्हार, ढोली व भांबी जो जातियां जो होती हैं वो इस नृत्य को बखूबी कर लेती हैं, जिसमें वो प्रवीण होती हैं, पारंगत होती हैं। एक मुख्य सी बात है कि यह जो नृत्य है वो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह जो नृत्य है कच्ची घोड़ी जो नृत्य है पैटर्न बनाने की कला के लिए यह प्रसिद्ध है। तो किस रूप में यह प्रसिद्ध है, तो पैटर्न बनाने की कला के रूप में यह, या कला के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें लश्करिया, बींद और रसाला तथा रंग मारिया गीत इसमें गाए जाते हैं, यानी कि जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें ये गीत गाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं।